हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैगी खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, अगर उसी मैगी के हमें पकौड़े मिल जाएं तो फिर तो क्या कहना। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी के पकौड़े, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बारिश के मौसम में जब आपका भी कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरे पकौड़े जो हम बनाते हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग रेसिपी बनती है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फिर ये पकौड़े हैं जो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये इंस्टेंट नूडल्स हैं उसके 2 पैकेट ले लिए। आप मैगी ले सकते हैं इसके लिए, यीपी आती है, आटा मैगी नूडल्स आती हैं जो वो ले सकते हैं। तो हमने ये जो पानी है 6 कप के करीब मैंने पानी है बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इसमें हमने ये जो खुला ही पानी डालना है, आप ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से उबल रहा है, तो अब हम इसमें जो नूडल्स डाल देते हैं। और इसमें नूडल्स को आपने क्रैक करके नहीं डालना, बस ऐसे ही इसको डाल देना है। और उसके बाद आपने इसको जो 90% तक पका लेना है, मीन्स ये मशी सी नहीं होनी चाहिए और ओवर कुक ना हो। तो अभी हम इसको ऐसे ही जो पानी में थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए नूडल्स हैं जो पक चुकी हैं, और अभी हम इसको है जो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। और इसको आपने ना एक छलनी से छान लेना है, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हम निकाल देंगे। तो अभी मैंने इन नूडल्स को है ये देखिए एक छलनी से जो छान ली है, और इसका जितना भी पानी है वो हमने सारा निकाल दिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी है, खिली खिली सी हमारी जो नूडल्स हैं वो बन चुकी हैं ना। तो इसी तरह से आपने इनको कुक करना है। अब हम इसमें है जो 3 चम्मच के करीब डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर, और ये मैंने 2 चम्मच डाला इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। सब्जियाँ आप इसमें अपनी पसंद की डाल सकते हैं, पत्ता गोभी इसमें ऐड की जा सकती है। और साथ में मैं 1 पैकेट इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला का, आप जो इसके साथ टेस्ट मेकर आता ना वो ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो साथ में थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड किया जा सकता है, आमचूर पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला नमक, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है तो नमक का आपने ध्यान रखना है। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 चुटकी डाली थी काली मिर्च। अभी हम इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो जितने भी मसाले इसमें हमने मिला दिए हैं, अब 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। ये जो नॉर्मली स्टील वाले चम्मच होते हैं ना घर में यूज़ करते हैं, उसी से मैंने ये 3 चम्मच बेसन डाला है। तो अभी हम इसको हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे। अगर आपको लगे बेसन इसमें कम है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन 1 से 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बेसन इसमें कम लग रहा है, 2 चम्मच मैंने इसमें और ऐड कर दिए हैं। बस हमने ना इतना बेसन ऐड करना है जिससे इसमें थोड़ी बाइंडिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से जब आप ऐसे इसको बनाकर देखो ना, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाओ तो वो बननी चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली ये बन रही हैं। तो अभी हम ऐसे इसकी सारी बॉल्स हैं जो तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये मैगी के जितनी भी बॉल्स थी वो सारी बना ली हैं, देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं ये। और ये देखिए ना नूडल्स कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे दिखते हुए, फ्राई होने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैंने जो तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, पहले हमने तेल जो इसके लिए रखना है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो आपके पास जो भी पैन या कढ़ाई है उसमें जितनी ईजिली ये बॉल्स आ जाती हैं आप उतने उसमें ये डाल दीजिए। और उसके बाद ना आपने हल्के हाथों से इसको ऐसे चम्मच से पलटना है, शुरू में एकदम से नहीं पलटना, थोड़ी देर पकने देना, उसके बाद इसको ऐसे पलट देना है। और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे जो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर आपने गैस का फ्लेम हाई कर दिया ना तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो बेसन का टेस्ट इसमें बिल्कुल कच्चे वाला टेस्ट आएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए आराम से फ्राई करना है। तो ये देखिए सारे जितने भी ये मैगी के पकौड़े हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी जितने पकौड़े हैं वो भी सारे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारा इन पे जो कलर आ चुका है, और ये देखिए नूडल्स कितनी अच्छी लग रही है ना इसके ऊपर दिखती हुई। तो ये पकौड़े बिल्कुल अलग से तरह के बनते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो बनते ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इसी तरह से हम बाकी जितने भी बचे हुए मैगी के पकौड़े हैं वो भी सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने सारे पकौड़े जो फ्राई कर लिए हैं, और मैं भी आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट, और पूरी तरह से ये पक चुके हैं अंदर तक। तो आप भी ये वाले पकौड़ों की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप केचप के साथ सर्व कीजिए, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, गर्मा गर्म इन पकौड़ों को इन्जॉय कीजिए। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नई।